एक ही मंदिर के पास पहुंच गए हैं और कुछ ऐसा मंदिर और बहुत ही अद्यतन शिल्प कला आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। हाँ तो दोस्तों, मैंने दर्शन कर लिए हैं माता जी के और आप भी यहाँ पर आ सकते हो दर्शन के लिए। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे। तो फिलहाल मैं अभी हूँ कागवड़, खुड़ियार माता का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर हम तीन दोस्त आए हुए हैं। तो बस यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। खुड़ियार माता का बहुत ही बड़ा यहाँ पर टेंपल है कागवड़ में। तो बस मैं अभी यहाँ पर पार्किंग में हूँ, यहाँ पर पार्किंग बहुत ही बड़ा पार्किंग है और कई जगह से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए माता जी के आते हैं। तो बस देखिए कुछ ऐसा, अभी मॉर्निंग के हुए है लगभग 7:30, यहाँ पर बज चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर नहीं दिख रही है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो देखें आगे, देखते हैं मंदिर। हाँ तो देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ पर देख रहे हैं वो है माता जी का गेट और ये कुछ यहाँ पर ऐसा पांडाल आपको दिख जाएगा, कुछ ऐसा है। यहाँ पर पानी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी और अंदर चलते हैं और यहाँ से चल के जाने का है अंदर और चल के जाते हैं। बहुत ही दूर है मंदिर यहाँ से, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं और करते हैं माँ खोड़ियार के दर्शन। ये कुछ ऐसा यहाँ पर गेट बना हुआ है और इसके अंदर से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर जेंट्स जा सकते हैं, वहाँ पर लेडीज जा सकती है। तो बस यहाँ से एंट्री ले चुकी है हमने और देखिए ऐसा कुछ जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये है खुड़ियार माता का यहाँ पर कागवड़ का मंदिर। तो बस चल के जाएंगे, वीडियो में बने रहे, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए भोजनशाला है और यहाँ पर बहुत सारे गार्डन, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मंदिर में है। तो बस ऐसे चल के जाने का, अगर आप चल नहीं सकते तो यहाँ पर कोई ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी लगाई जाती है, गाड़ी में बैठ के आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, गार्डन है और हम चल के जाएंगे माता जी के मंदिर की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है खोडल धाम और आप अंदर आते ही ऐसे आपको मिल जाएगा रास्ते, यहाँ पर मंदिर तक जाने का रास्ता, शौचालय, पीने का पानी कहाँ पर है, प्रसाद घर कहाँ पर है, सत्संग हॉल कहाँ पर है, सभी का एरो यहाँ पर लगा हुआ है। तो बस देखिए निकलते हैं आगे और आगे जाके दर्शन करते हैं खुड़ियार माँ के। बहुत ही मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ा गार्डन है और बहुत ही हाइट पर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर देख रहे हैं ये है प्रसाद घर, अगर आप यहाँ से प्रसाद लेना चाहे तो ले सकते हैं। यह है मंदिर और ऐसा कुछ यहाँ पर माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हो दोपहर को तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक और भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बजे 7:30 मॉर्निंग, तो पब्लिक यहाँ पर आज नहीं है। कुछ ऐसा मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं माँ खोड़ियार के। तो ऐसा कुछ गार्डन आपको मंदिर के आसपास दिख जाएगा, बहुत ही सारी हरियाली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शौचालय और अल्पाहार के लिए, यहाँ पर आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है तो आप यहाँ पर आगे जा सकते हैं। आगे ब्रेकफास्ट के लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पहले दर्शन करते हैं, बाद में उस तरफ जाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ माहौल और आपको दिख जाएगा। लाइट म्यूजिक बज रहा है अभी। बहुत ही बड़ा मंदिर है भाई। यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं
लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको गर्मी, ठंडी या बारिश से बचने के लिए कुछ ऐसा शेड बनाया हुआ है, उसके अंदर से आप जा सकते हैं। धूप आपको नहीं लगेगी, बारिश आपको नहीं लगेगी। दो ऐसे बनाए हुए हैं शेड, तो हम शेड के अंदर से जाएंगे और कुछ ऐसा आसपास गार्डन, हम वहाँ से आए और यहाँ से मंदिर की ओर जाएंगे। तो बस चल के जाएंगे, वीडियो में बने रहे, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बड़ा गार्डन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई, बहुत ही बड़ा गार्डन। आसपास बहुत ही बड़ी जगह में यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो बस आगे जूते निकाल के हम मंदिर के अंदर जाएंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, दर्शन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आपको यहाँ की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहे चैनल के साथ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। देखिए मंदिर के पास पहुँच गए हैं और कुछ ऐसा मंदिर और बहुत ही अद्यतन शिल्प कला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऊपर जाते हैं और दर्शन करते हैं खोडियार माँ के। तो देखिए कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के ऊपर जाना है और ऊपर आके आपको बहुत ही अच्छे वातावरण का अनुभव होगा। यह है कुछ मंदिर और ऐसा यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप अगर थक जाओ तो यहाँ पर बैठ सकते हो और मंदिर में जा सकते हो। तो हम जाते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं माँ खोडियार माता के। ऐसा कुछ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मैंने दर्शन कर लिए है माता जी के और आप भी यहाँ पर आ सकते हो दर्शन के लिए। बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाएगा। और देखिए मेरे पीछे ये है मंदिर और यहाँ पर पूरी हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ा गार्डन और ये है पूरा मंदिर, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो आ सकते हो और माता जी के दर्शन कर सकते हो। मेरे पीछे देखिए बहुत ही अच्छी शिल्प कला आपको देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ खोडियार, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना।